हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, उसकी महिमा करो, उसके सामर्थ को सराहो। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज के दिन में हम आपके लिए, आपके परिवार, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि एक दिन उनके पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उनकी कार टूट गई, परंतु उनके पति को एक खरोंच भी नहीं आई। परमेश्वर ने उस बहन के पति को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा और उस दुर्घटना होने से परमेश्वर ने उन्हें बचा दिया। मेरे प्रिय, उन्होंने कहा कि हम रोज सुबह प्रार्थनाओं को सुनकर और प्रार्थना कर कर अपने घर से बाहर निकलते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमारे प्राणों की सुरक्षा की। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से परमेश्वर ने उन्हें बचा दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। उसी प्रकार से प्रभु आपको भी हर एक खतरे, हर एक दुर्घटना से परमेश्वर आपको बचाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कहीं भी जाते समय, अपने घर से बाहर निकलते समय, हमेशा इस बाइबल वचन को अपने जीवन के लिए कहें, अपने पति के लिए कहें, अपनी पत्नी के लिए कहें, अपने बच्चों के लिए कहें। जब भी वो घर से बाहर निकलें तो उनके लिए इस बाइबल वचन को जरूर से आप कहें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से बचाएंगे। यहोशू की किताब उसका 1:9 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा, परमेश्वर का ये वचन आपके लिए भी कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ में होगा, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तुझे हर एक खतरे, मुसीबत से बचाने के लिए, तुझे हर दुर्घटना से बचाने के लिए, तुझे हर महामारी से, हर एक बीमारी से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। हम प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं, 2 Corinthians उसके 11 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि 3 उनके जहाज टूट गए समुद्र में, और एक दिन एक रात उन्होंने बिना जहाज के समुद्र में वैसे ही पानी में काटा, और रास्तों में डाकुओं के जोखिम में वो रहे, नदियों के जोखिम में वो रहे, जब वे जंगल से गुजरे तो जंगल में जानवरों के जोखिम में वे रहे। मेरे प्रियो, इस प्रकार से पौलुस अनेक प्रकार के जोखिमों से होकर निकले, परंतु उस यात्रा में हमेशा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पौलुस के साथ में रहे, उन्हें हर एक खतरे, मुसीबत से बचाने के लिए। समुद्र में उनके जहाज टूट गए परंतु उनके प्राणों की हानि नहीं हुई, वे जंगलों से होकर गुजरे परंतु किसी भी जानवर ने उन पर अटैक नहीं किया, उनके प्राणों को नष्ट नहीं किया। वो डाकुओं के जोखिम में भी रहे परंतु किसी ने भी उनके प्राणों की हानि नहीं की। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से वो अनेक जोखिमों से होकर निकले परंतु उनके प्राणों की हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में रहे, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में चलते थे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, इस वचन को बोलकर जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके साथ में होगा, आपको हर एक दुर्घटना से बचाने के लिए, आपको हर एक डाकुओं से बचाने के लिए, आपको हर एक बीमारी से बचाने के लिए, आपको हर एक मुसीबत से बचाने के लिए प्रभु आपके साथ में होंगे, उनके स्वर्गदूत आपके साथ में होंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, आप इस वचन को अपने लिए जरूर से कहें कि जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग संग होगा, मेरे संग संग रहेगा। जहां जहां मेरे बच्चे जाएंगे वहां वहां मेरा परमेश्वर यीशु मसीह उनके संग में होगा। जहां जहां हम काम पे जाएंगे, जो नौकरी पे हम जाएंगे, जिस भी रास्ते
रास्ते से हम जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ में होगा और हमारी कोई भी हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है, वो आपकी ढाल है, वो आपका किला है, वो आपका मजबूत और दृढ़ गढ़ है, वो आपके प्राणों को नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, जबकि इस समय पूरे दुनिया में महामारी फैली हुई है, तो जब भी आप बाहर निकले, इस वचन को बोलकर निकले, तो कोई भी महामारी आप पर अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए परम प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे पिता, हमारे हमसफर, हमारे अति प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवादी हैं। रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर प्रभु यीशु मसीह आपने ये नया दिन हम सब के जीवनों में जोड़ा है। हम हृदय से, तहे दिल से, हृदय से आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। You are the great father. Thank you Jesus. आपने ये सुंदर सुबह हमारे जीवनों में दी है मेरे खुदावन। आज की सुबह में हमें हर एक गलत कामों से, हर एक दुष्ट की बातों से, हर एक पाप करने से बचाएं परमेश्वर पिता। लॉर्ड हमें आप अपने मार्ग में ले चलिए परमेश्वर, अपने अनुसार आप हमारे जीवन में कार्य करें। लॉर्ड हम आज की सुबह में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर पिता। यू आर द ग्रेट, यू आर द होली लॉर्ड, यू आर द होली होली एंड जेंटल लॉर्ड फादर। वी Praise your name. We lift up your name in this morning, Lord. I commit all peoples in your almighty hand, Lord Jesus. Guide us and save us and protect us, Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जब ये भाई ये बहन पिता मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को कर रहे परमेश्वर, मेरे प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें माइटली ब्लेस करें परमेश्वर पिता। आपकी अपरपार आशीषें इनके जीवनों में आए लॉर्ड। ये सुबह इनके लिए आशीषों भरी होने पाए। ये जो सुबह का समय प्रभु आपने हमें दिया है, ये भोर का समय जो आपने हमें दिया है लॉर्ड, ये पहला समय पिता हम आपके साथ व्यतीत करते हैं पिता, ये संगति हम आपके साथ करते हैं लॉर्ड। हमें अपने आप के संग में कनेक्ट होने दीजिए प्रभु, हमें प्रभु आपके साथ कनेक्ट होने में आप मदद करें परमेश्वर। होली स्पिरिट, हम आपकी मदद को आज की सुबह में चाहते हैं, आज के पूरे दिन भर में आपकी मदद को चाहते हैं कि आप हमारे संग में, जब हम चले फिरें और कहीं भी जाएं, तो आप हमारे संग में आपकी उपस्थिति हो। होली स्पिरिट मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे खुदावन तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु। तू धन्य है परमेश्वर, तू महान है, तू मन में दीन है परमेश्वर, तू अति प्रिय परमेश्वर है, हमारी देखभाल करने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला, हमारी चट्टान, हमारी मजबूत सहरपना है प्रभु। प्रभु हमें बचाने वाला, आने जाने में हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता। ये वचन जब हमारे कानों ने सुना है पिता यीशु मसीह, जब इन भाई बहनों ने सुना है प्रभु, ये वचन सुनने के अनुसार इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता, कि अपने जीवन में तेरे वचनों की घोषणा अपने जीवन में कर पाएं, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में चल सकें, अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं, अपनी सोच के अनुसार नहीं, परंतु पिता तेरे चलाए हुए ये चलने पाएं। ये ऐसा अपने जीवन में कार्य करे, ये जो तुझे भाई परमेश्वर, जो तुझे भाई, जो तुझे अच्छा लगे प्रभु, हम ऐसा कार्य करने पाए ताकि हम तुझे प्रसन्न कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, प्यारे प्रभु, क्योंकि सच में मेरे खुदावन जो आपकी आंखें हैं पिता, आप हमें आंख की पुतली की नाई संभालते परमेश्वर। आप हमारे हमें सुरक्षित रखते, हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से आप हमें बचाते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, जिस प्रकार हमने आपके वचन को सुना कि आप आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करते रहेंगे। लॉर्ड हम धन्यवाद करते, जिस प्रकार आपने पौलुस को उसकी यात्राओं में जगह जगहों पर प्रभु तूने उसे सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से उसे बचाया परमेश्वर। मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ उसी प्रकार मेरे प्रभु आज की सुबह में मेरे परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा को इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रभु मांगती हूँ। आपके लहू में इन्हें ढांपते हैं, आपके स्वर्ग दूतों का पहरा प्रभु हम इनके इर्द गिर्द रखते हैं प्रभु। आपके स्वर्ग दूत इन भाई बहनों की, इनके परिवार में हर एक जन की रक्षा हिफाजत करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता की होने दे परमेश्वर पिता कि कोई भी दुष्ट इनके जीवनों में कार्य न करे प्रभु जी, दुष्ट इन्हें गलत रास्तों में न ले जाए प्रभु, दुष्ट इन्हें प्रभु जी कोई
तेरी हानि न करने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। मेरे यीशु मसीह, आप इनकी हानि ना होने दे। जब ये घरों से बाहर निकलते परमेश्वर पिता, कि आप इन्हें हर एक एक्सीडेंट से बचाएं, विशेषकर इस कोरोना वायरस से प्रभु, जबकि इस पूरे संसार में ये महामारी फैली है पिता, और प्रभु प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ है, भूस्खलन है, प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों से आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। प्रभु तेरे स्वर्गदूत भी इन्हें हाथों हाथ उठा लें परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे छिपने का स्थान है, आप हमारे शरण स्थान है। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिनों में जब ये भाई बहन अपने घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, यदि घरों में ही रहते हैं प्रभु, हर एक दुर्घटना से बचाएं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप इनकी आने जाने में सुरक्षा करें। जब प्रभु जो भाई बहन हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटीज करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर घरों से बाहर निकलते हैं परमेश्वर, और प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप इन्हें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। दुआ है मेरे खुदावन कि आप प्रभु आज के दिनों में इनके कामों को सफल करें, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी इनका निवेदन है, जिस किसी बात के लिए आज की सुबह में प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह उन प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दें। जब ये आपके साथ आज की सुबह में संगति कर रहे हैं प्रभु, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए, अपने समस्याओं के लिए, अपनी चिंताओं के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए, जब ये तुझसे प्रार्थना करें लॉर्ड, तो आप इनकी समस्याओं को दूर करें, इनकी चिंताओं को दूर करें, और इनके जीवन में प्रभु आप समस्याओं का समाधान करें, इन्हें संकट विपत्ति परेशानियों से आप छुड़ाएं परमेश्वर। मैं दुआ करती प्रभु जब भी कोई भी हालात जो इनके जीवन में ऐसे प्रभु, जिस बात को लेकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए प्रभु, इनकी परेशानियों को दूर करें परमेश्वर। आज की सुबह में यदि ये बीमार है, अस्वस्थ महसूस कर रहे परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु मेरे पिता आप इन्हें इनकी बीमारियों से छुड़ाएं परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ बीपी शुगर प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट करते, थायराइड प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट करते परमेश्वर, एथेराइट्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट करते परमेश्वर। मेरे प्रभु कैंसर, ट्यूमर, अल्सर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए परमेश्वर, इन बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दें। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, प्रभु जिन्हें फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, जिन्हें गुप्त रोग है यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए, इन्फेक्शन यीशु के नाम से चंगा होने पाए। मेरे खुदावन यीशु मसीह इनका शरीर का वो अंग जो बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि इन्हें लीवर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इनका लीवर हील हो जाए। किडनी प्रॉब्लम है, किडनी डैमेज हो गई है प्रभु, किडनी स्टोन है, किडनी इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से इनकी किडनियाँ हील होने पाए। यदि हार्ट प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इनका हार्ट हील होने पाए। मेरे प्रभु लंग्स हील होने पाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि आप इनके शरीर के उस अंग को चंगा करें परमेश्वर जो बीमारियों में है। मेरे खुदावन जो खराब हो गया यीशु के नाम से आप इन्हें न्यू ऑर्गन्स दे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन यदि इनके हाथ काम नहीं करते प्रभु यीशु के नाम से इनके हाथ काम करने लगे, यदि पैर काम नहीं करते यीशु के नाम से पैर काम करने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए प्रभु जी जो पैदा होते ही परमेश्वर पिता जो जिन्हें सुनाई नहीं देता है प्रभु जी, जिन्हें दिखाई नहीं देता है प्रभु, जो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें छू लें और उन्हें चंगा करें यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं पिता परमेश्वर पिता, आप उन्हें ऑटिस्टिक की बीमारी से प्रभु हर एक ऑटिस्टिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी जो एबनॉर्मल है पिता यीशु के नाम से वो नॉर्मल होने पाए, धन्यवाद करते। पाइल्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हार्निया प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पिंपल्स, हेयर फॉल की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट करते प्रभु। मेरे पिता सर से लेकर पैरों तक का जो दर्द है यीशु के नाम से चला जाए, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने ने इनकी बीमारियों से छुटकारा दिया, चंगा किया यीशु के नाम से, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जो भाई बहन प्रभु आज के दिन में परमेश्वर प्रार्थना कर रहे अपनी जॉब के लिए, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज को दिया है यीशु मसीह, उनके जाने में और आने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। और आज के दिन में इन भाई बहनों का हर काम सफल होने पाए, जो काम बीते समय नहीं हुआ, जो प्रभु कई सालों से नहीं हुआ, होने दे आज के दिन में परमेश्वर, इनके काम सफल होने पाए, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु आप हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दें और हर एक की आप सहायता और मदद करें, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब किया है। परमेश्वर ने हमें एक परिवार के रूप में आपको दिया है। हम तहे दिल से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप लोगों को हमारे जीवन में दिया और हमें ये बोझ दिया कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप हमें फोन कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप में कर सकते हैं। आपको प्रेयर सेंटर का, प्रेयर लाइन का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपने निवेदनों को दीजिए ताकि हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करें। आप हमें जब जो लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस और कमेंट्स करते हैं, हम उन लोगों के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रेयर सेंटर में आपके निवेदनों के लिए निरंतर प्रार्थनाएं हो रही हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। यूं ही हम सब एक परिवार की नई संगति करें और परमेश्वर पिता में बढ़े और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप भी हमारे लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।